images, yeah. And it's the way that you look at me makes me feel like I can't breathe. It ain't right, right, right. 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 It तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं दीपदीप और आप देख रहे हैं बलियापुर ब्लॉग्स। तो सबसे पहले आप सभी को न्यू ईयर की बहुत सारी बधाई, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। सो बहुत कोई लोकेशन दिखाते हैं अपना न्यू ईयर में पिकनिक मनाने जाते हैं, तो चेकआउट द लोकेशन गाइस। हम लोग जो यहाँ पे घूमते हैं ना, वो यहाँ पे पहाड़ों की कमी नहीं है। पहाड़ है, जंगल है, बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। तो एक्सपेंसिव लोकेशन नहीं है, हम लोग यहाँ पे सस्ता सुविस्ता जो जुगाड़ लगाया है। अभी मैं हमारे बलियापुर के आसपास में ही हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ है और यहाँ पे चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और जस्ट ठीक मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, मेरी बाइक वहाँ पे खड़ी है और छोटा सा ही दिख रहा पहाड़। और जस्ट लोकेशन देखिए, चारों तरफ ही खुला वाला मैदान। और आज जो है धूप अच्छे से नहीं निकली है, आज थोड़ा कुहरा जैसा कुछ दिख रहा होगा। देखो क्लियर विजिबिलिटी आपको यहाँ पर नहीं दिख रही है, थोड़ी बहुत विजिबिलिटी का इशू है आज। तो फिर भी अभी हम लोग सोच रहे हैं चढ़ने का इस पहाड़ पे। और गाइस यहाँ पे पहाड़ के नीचे देखिए छोटा सा कुछ एक तालाब जैसा बना हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत पानी भी है और ये है मेरे पीछे पहाड़। और चलिए देखते हैं कितना चढ़ पाता हूँ इस पहाड़ पे। और तो ज़्यादा बड़ा नहीं है पहाड़, थोड़ा बहुत है, तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं। सो एनीवे चढ़ने का कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये जो है ना, यहाँ पे आज हम लोग पहली बार आए हैं, तो उतना रास्ता हम लोग को पता नहीं है यहाँ पे कि क्या है क्या नहीं। देख ही सकते हैं कितना मुश्किल का काम है बेचारा। तो गाइस लगभग अभी हम लोग आधा पहाड़ जो है वो चढ़ चुके हैं। और आज मेरे साथ है अर्पण, आपने इससे पहले भी इसे मेरे वीडियोस में देखा होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग दोनों मिलकर इस पहाड़। तो ऐसे ही देख रहे हैं कि यहाँ पे अर्पण जो है वो चढ़ने का कोशिश कर रहा है। तो वो जो ऊपर में टीला दिख रहा है वहाँ पे हम लोग चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ तक हम लोग चढ़ पाते हैं। और जस्ट नीचे देखिए यहाँ पे कितने सारे पत्थर है। चल चल यहाँ से ये कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। देख सकते हो आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ का व्यू देखिए, हमारे दीप ऊपर चढ़ गए, बस मैं बाकी हूँ चढ़ने का। अब मुझे कैमरा देना पड़ेगा, मुझे क्या कैमरा देना पड़ेगा। तो जैसे कि देख रहे हैं चढ़ने का तो बहुत मुश्किल है। पैर सब में देखिए ये सब कांटा वगैरह लग गया है पैर में, और बस थोड़ा सा ही है, बहुत ज्यादा कांटा है यहाँ पे। ये कितनी मेहनत करके चढ़ना पड़ रहा है। गाइस हम लोग अभी पहाड़ में एकदम चढ़ गए ऊपर में, और दूर कहीं पिकनिक मनाया कोई मना रहा होगा तो आवाज़ आपको शायद आ रही होगी। और इधर देखिए यहाँ पे चारों तरफ में एकदम लोकेशन, अमेजिंग सा लोकेशन है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोहरा दिख रहा है, धूप नहीं निकली है आज, धूप नहीं निकली है अभी। तो अभी हम लोग यहाँ से दूसरे साइड में जा रहे हैं पहाड़ के। और जैसे कि चढ़ गया,
वाह, फाइनली हम लोग एकदम ऊपर में आ गए हैं। मजा आ गया एकदम चढ़ के, बहुत ही ज्यादा। लाइक एंड शेयर करिए। तो गाइस यहाँ तक चढ़ने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है, यहाँ पे रास्ता उस्ता है नहीं, तो किसी तरह से हम लोग पहाड़ में चढ़े। गाइस अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा ना तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पे दूर में कहीं पे आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे दूर में कोई पिकनिक सेलिब्रेट हो रहा होगा, पिकनिक मना रहा होगा, तो इसीलिए आवाज आ रही है, आवाज चारों तरफ गूंज रही है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे और फिर नीचे उतरेंगे हम लोग, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और जस्ट आप यहाँ का व्यू को एंजॉय करें, जस्ट लुक एट द व्यू गाइस। तो गाइस बहुत देर हम लोग यहाँ पे एंजॉय किए, बहुत सारा फोटोशूट भी किए, अभी जो है अब नीचे चलते हैं। तो चढ़ने में अगर हम लोग का इतना हालत खराब हो गया है तो उतरने में हम लोग क्या हालत हो सकता है, तो देखते हैं। तो देखिए सजेस्ट करते हुए कि किधर से हम लोग उतरेंगे, हम लोग को खुद ही पता नहीं है कि हम लोग किधर से उतरेंगे। जिधर से हम लोग चढ़े थे वो रास्ता अभी हम लोग को पता नहीं, हम लोग भूल गए किसी तरह से चढ़े थे, बट अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग चढ़े किधर से थे। तो अभी देखते हैं कि हम लोग का उतरने के लिए हम लोग कौन सा रास्ता यूज करते हैं। तो देखिए दिख पा रहे हैं यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है और घास फूस है, झाड़ी वगैरह कांटेदार झाड़ी है, और ये सब कांटा जो है हम लोग के स्वेटर और जैकेट वगैरह में जो है एकदम पूरा फंस गया, अच्छा बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। और उनका शूलेस जो है वो खुल गया है, और इसको अभी पूछते हैं कैसा लग रहा है पहाड़ चढ़ के। चलो बताओ कैसा लग रहा है। इसका हालत अभी लगता है ख़राब हो गया है, इसको पानी वानी का रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसको पानी वगैरह का मिल नहीं रहा है, थक गया है बेचारा बहुत ज़्यादा। जैसे देखिए तोड़ते हुए, झाड़ियों को तोड़ते हुए रास्ता बना रहा है बेचारा, अब इसको पता नहीं कि आगे कहाँ से जाएगा। अब देखिए फिर से फंस गया बेचारा, उधर रास्ता नहीं है, चल इधर से। इसको जो है ना अभी तक ये बच्चा ही रह गया, ये देखिए पोज का तो कमी नहीं है। चलो उतर उतर, बहुत चढ़ गया, चल चल। देखिए अभी भी बच्चा, ऐसा हालत है इसका, बड़ा होता ही नहीं। और देखिए यहाँ पे और कुछ भी आदमी आ रहे हैं यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए। देखिए सब कूदते हुए इसको अक्ल, अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा कांटेदार झाड़ियाँ है जहाँ से चढ़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल ही है। देखिए गिरते हुए आराम से चल रहे। तो गाइज अभी हम लोग आधा पहाड़ नीचे उतर आए हैं, और इतना जो झाड़ी है ना ऊपर में कि क्या बताए। और यहाँ पे देखिए इसके जैकेट में पूरा कांटा वगैरह लग गया है, जैसे कि अगर आपको दिख रहा होगा तो पूरा कांटा चुभ रहा है, देखिए पूरी तरह से पूरा कांटा पे भरा हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ी है और सारा जो है पैर वगैरह में, हम लोग शूज़ वगैरह में सारा अटक गया है। फाइनली जैसे कि देख रहे हैं हम लोग नीचे आ गए हैं, और यहाँ पे देखिए अर्पण अपना जो है कांटा वगैरह वो छुड़ा रहा है अपने कोट और शूज से। जस्ट चेक आउट द लोकेशन एक बार फिर से देखिए।